खुद के लिए बच्चे की जान लेना चाहता हो, वो भी बस प्रॉपर्टी के लिए। जी नेक्स्ट। जी बैठिए, आप यहाँ बैठिए। तो हाँ जी बताइए, क्या प्रॉब्लम है आपको? डॉक्टर साहब, मेरी वाइफ का ना अबॉर्शन करना है। क्या आपको अबॉर्शन करवाना है? देखिए, हमें आपकी वाइफ के ना कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, तब तक आप बार वेट कीजिए। मैं भाग क्यों जाऊं? और टेस्ट आपको करने आप कीजिए ना, मैं इसका पति हूँ, मेरी वाइफ है ये, मेरे सामने कीजिए। अरे आप समझिए, ये हमारे रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब, मैं इसका हस्बैंड हूँ, आप मेरे सामने करना है, जो करना है आप मेरे सामने कीजिए। देखिए, ये कुछ टेस्ट हैं जो हमें इनके अकेले में करने पड़ेंगे, और ये हॉस्पिटल के रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। आप है ना बाहर जाके बैठिए, प्लीज कोऑपरेट। ठीक है, जो करना है जल्दी कीजिए। हाँ मैडम, तो बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको? सर देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हाँ प्लीज मेरी मदद करिए, मेरा पति ना मुझसे डिवोर्स लेना चाहता है। डिवोर्स? मेरे पति के अफेयर की वजह से मुझसे डिवोर्स ले रहे हैं, और इस नन्ही से जान का क्या कसूर है जो अभी तक इस दुनिया में आई भी नहीं है, वो उसको मारना चाहता है। सर आप प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं ये अबॉर्शन नहीं कराना चाहती, वो मुझे जबरदस्ती यहाँ लेकर आया है, आप प्लीज मेरी हेल्प करिए, मैं आपके पास बहुत उम्मीदों से आई हूँ। देखिए घबराइए मत, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा, लेकिन आप मेरे को ये बताइए कि आप डिवोर्स लेना चाहती हैं या नहीं? सर कौन सी औरत नहीं लेना चाहेगी ऐसे एक आदमी से डिवोर्स जो बाहर लड़कियों के साथ अफेयर्स चलाता है, और खुद के लिए बच्चे की जान लेना चाहता हो, वो भी बस प्रॉपर्टी के लिए। हाँ मैं उससे डिवोर्स लेना चाहती हूँ, लेकिन मैं उससे डिवोर्स अभी नहीं लूंगी, हमें एक बच्चे के आ जाने के बाद लूंगी, आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम है, और अगर ये बच्चा दुनिया में आ गया तो वो बाकी की बच्ची आधी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी, और वो ये होना नहीं देना चाहते, वो नहीं होने देना चाहते कि उनकी प्रॉपर्टी बटे। आप प्लीज हमारी मदद कीजिए और इस अबॉर्शन को होने से बचा लीजिए। देखिए आपके लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है, जैसा आपके पति ने आपके साथ किया ना, वैसा ही मेरी बीवी ने पिछले महीने मेरे साथ किया। मेरे साथ होते हुए भी उसने ना जाने बाहर कितने रिश्ते बना रखे थे, जैसे ही मेरे को उसका पता चला उसने मेरे से डिवोर्स की मांग की, और जो कि मैंने उसे दे दिया। तो कौन नहीं लेना चाहेगा ऐसे आदमी के साथ डिवोर्स जो खुद के घर में बीवी होते हुए बाहर लड़कियों के साथ अफेयर चलाता हूँ, खुद के बच्चे की जान लेना चाहता हूँ। अरे सर कौन सी लड़की नहीं चाहती कि उसका एक हंसता खेलता परिवार बसे, लेकिन सर ऐसे आदमी के होते हुए ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप खुद सोचिए, अगर मैं डिवोर्स नहीं लूंगी इस आदमी से तो मैं अपने बच्चे को कैसे पालूंगी, क्योंकि इसके रहते तो मैं अपने बच्चे को जिंदा रख ही नहीं सकती। देखिए अगर आप मेरे को गलत ना समझना, तो मेरे लिए आपके पास एक ऑफर है। देखिए मेरे को पता है कि आप कितने परेशानी हो, और पिछले महीने मेरा भी डिवोर्स हो चुका है, क्यों ना हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। मतलब ये आप भी अपने पति से परेशान है और मेरा भी डिवोर्स पिछले महीने हो चुका है, क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। और रही बात इस बच्चे की, मुझे इस बच्चे से कोई दिक्कत नहीं है, इसे मैं अपना नाम दूंगा। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपको मेरी सारी सिचुएशन पता होने के बावजूद आप मुझे इतना बड़ा ऑफर दे रहे हैं और मेरी मदद कर रहे हैं, और मुझे सच में नहीं पता था कि आज की डेट में आप जैसे इतने अच्छे इंसान भी मौजूद है, वरना मेरा तो भरोसा ही उठ गया था मर जात से, क्योंकि मेरे पति ने तो कभी मुझे प्यार किया ही नहीं, मुझे अपनी बीवी बना के रखा ही नहीं, रोज मेरे साथ मारपीट करता था। आपका नाम सच में बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी सिचुएशन समझी और मुझे एक्सेप्ट किया। हाँ आप सच में इंसान मैंने आज तक कभी नहीं देखा। देखिए धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, अभी आपके पति आएंगे, उनको आप बोल देना कि आपको बिना किसी डिमांड के उनको डाइवोर्स देना है, और आप जल्दी डाइवोर्स ले लीजिए, उसके बाद हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। मैं उनको बोल दूंगी कि मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए और मुझे आपकी प्रॉपर्टी का एक भी रुपया नहीं चाहिए, आप सब रख लो। ठीक है। देखिए सारे टेस्ट हो गए आपकी वाइफ के, और आपकी वाइफ आपसे कुछ बात करना चाहती है।
आप मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हो? मैं आपको डिवोर्स देने के लिए राजी हूँ। आपको मुझसे जहाँ साइन करवाना है ना वहाँ साइन करवाना है। बदले में मुझे आपकी प्रॉपर्टी में से एक रुपया नहीं चाहिए। तुम डिवोर्स के लिए रेडी हो? वो भी बिना किसी डिमांड के? कल तक तो तुम रेडी नहीं थी। खैर मुझे इन बातों से क्या लेना, मुझे डिवोर्स चाहिए और प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे तो उन्हीं से मतलब है। ठीक है, मंडे को मिलते हैं कोर्ट में, अपने वकील के साथ आऊँगा, तुम सिग्नेचर कर देना। ठीक है। देखिए घबराइए मत, अब हम अपनी ज़िंदगी की शुरुआत अच्छी तरह से करेंगे।